शाम के वक्त एक वकील ने अपने क्लाइंट के घर फोन किया। फोन की 2 घंटियां बजते ही फोन एक बच्चे ने उठा लिया और बड़े ही धीमी आवाज में कहा, हेलो। वकील ने पूछा, बेटा तुम्हारे पापा घर पर हैं? बच्चे ने कहा, हाँ अंकल हैं। वकील ने कहा, तो उन्हें फोन दो, मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। बच्चे ने कहा, वो तो अंकल बिजी हैं। वकील ने कहा, तुम्हारी मम्मी घर पर हैं? बच्चे ने कहा, हाँ अंकल हैं। तो वकील ने कहा, उन्हें फोन दे दो, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। बच्चा बोला, वो भी बिजी हैं अंकल। वकील ने कहा, तो और कोई घर में है जिनसे मैं अभी बात कर सकूं? बच्चे ने कहा, पुलिस वाले हैं अंकल। वकील ने कहा, मेरी किसी एक पुलिस वाले से बात करा दो। बच्चे ने कहा, लेकिन वो तो बहुत ज्यादा बिजी हैं। वकील ने कहा, मुझे एक बात बताओ, घर पर तुम्हारे पापा भी हैं, मम्मी भी हैं और पुलिस वाले भी हैं, लेकिन वो सब के सब बिजी हैं, आखिर कर क्या रहे हैं वो लोग घर में? बच्चे ने कहा, वो सब लोग तो मुझे ढूंढ रहे हैं ना अंकल। एक रात एक चोर एक घर में घुसा, दरवाजा खोला तो एक बूढ़ी औरत सो रही थी। खटपट की आवाज से उसकी आंखें खुल गईं। चोर घबरा गया, लेकिन बुढ़िया बोली, डरो मत बेटा, लगता है किसी मजबूरी के कारण तुम ऐसा काम कर रहे हो। कोई बात नहीं, अलमारी में एक तिजोरी है, उसमें का सारा पैसा और गहना तुम चुपचाप ले जाना, लेकिन पहले मेरे पास आकर बैठो। मैंने अभी अभी एक सपना देखा है, वह सुनकर जरा मुझे उसका मतलब तो बता दो। चोर बुढ़िया की बातों में आ गया और चुपचाप जाकर उसके पास बैठ गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा मैंने देखा कि मैं एक जंगल में खो गई हूँ, तभी एक कौवा मेरे पास आया और उसने 3 बार जोर जोर से बोला, पिंटू पिंटू पिंटू, बस फिर सपना खत्म हो गया और मेरी आंखें खुल गईं। जरा बताओ इसका क्या मतलब हुआ? चोर सोचने लगा। इतने में बुढ़िया का बेटा पिंटू अपना नाम जोर जोर से सुनकर उठ गया और अंदर आकर चोर को जमकर पीटा। बुढ़िया बोली, बस करो अब मत मारो। चोर बोला, नहीं नहीं मुझे और मारो, ताकि मुझे आगे से याद रहे कि मैं एक चोर हूँ। एक प्रोफेसर ने बच्चों से पूछा, 5 के बीच में 4 लिखकर बताओ। चाइनीज बच्चे ने कहा, मजाक मत करो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जापनीज बच्चे ने कहा, ये तो सवाल ही गलत है। अमेरिकन बच्चे ने कहा, इसका जवाब तो नेट पर भी नहीं है। फिर भारतीय बच्चे ने बोला, अरे ये सवाल तो बहुत ही आसान है, ये रहा 5 और लगा दो इसके बीच में 2 ब्रैकेट।